समय पहले की बात है। एक वृद्ध व्यक्ति अपने बेटे के यहाँ शहर रहने गया। उम्र के इस पड़ाव पर वह अत्यंत कमजोर हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे और दिखाई भी कम देता था। वो एक छोटे से घर में रहते थे। पूरा परिवार और उसका 4 वर्षीय पोता एक साथ डिनर टेबल पर बैठकर खाना खाते थे। लेकिन बुढ़ापे के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से निकलकर फर्श पर बिखर जाते, तो कभी हाथ से दूध छलककर फर्श पर गिर जाता। बहू बेटे एक दो दिन ये सब सहन करते रहे, पर अब उन्हें अपने पिता की इस काम से चिढ़ होने लगी। हाँ, अब हमें इनका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, हाँ, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मजा किरकिरा करते रहेंगे, और हम इस तरह से हमारी चीजों का नुकसान होते हुए भी नहीं देख सकते। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने में लगा दिया। अब बूढ़े पिता को वही अकेले बैठकर अपना भोजन करना था। यहाँ तक कि उन्हें खाने के बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया, ताकि और बर्तन टूट फूट ना सके। बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से बैठकर खाते, और जब कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनके आंखों में आंसू दिखाई देते। ये सब देखकर भी बहू बेटे का मन नहीं पिघलता, और अब तो वो उनकी छोटी सी छोटी गलती पर उन्हें बहुत सारी बातें सुना देते। वहां बैठा उनका छोटा लड़का राजू भी ये सब बड़े ध्यान से देखता और अपने में मस्त रहता। एक रात खाने से पहले राजू को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा। बेटे, ये तुम क्या बना रहे हो? राजू ने बड़ी ही मासूमियत के साथ जवाब दिया, पिताजी, मैं तो आप लोगों के लिए लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ, क्योंकि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको भी लकड़ी के कटोरे में ही खाना पड़ेगा ना। और वो पुनः अपने काम में लग गया। इस बात का उनके माता पिता पर बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और आंखों से आंसू बहने लगे। वो दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर लेकर आए और फिर कभी भी उनके साथ गलत व्यवहार नहीं किया। देखा दोस्तों, हम अक्सर अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा या मोरल वैल्यूज देने की बात करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि असल शिक्षा शब्दों में नहीं, हमारे कर्म में छुपी होती है। अगर हम अपने बच्चों को बस ये उपदेश देते रहे कि बड़ों का आदर करो, सबका सम्मान करो, और खुद इसके उलट व्यवहार करें, तो बच्चे भी ऐसा ही करना सीखते हैं। इसलिए कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि कल को अपनी संतान भी अपने लिए लकड़ी का कटोरा तैयार करने लगे। मुंबई नाम के शहर में सुबोध नाम का आदमी एक बड़े कंपनी में काम किया करता था। उसके परिवार में पत्नी रेखा और बेटी राधा रहती थी। सुबोध की तनख्वाह अच्छी होने के कारण उसका परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता था। रेखा के हाथों के पकवानों को बहुत ही स्वाद था। एक दिन सुबोध अपनी पत्नी रेखा से, रेखा, कल हमारे घर मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए अच्छा खाना बना के रखना। कल हमारे घर पर कितने लोग आएंगे? लगभग 10 लोग आएंगे। ठीक है, कल खाना बना कर रखूंगी। ठीक है। ऐसा कहकर सुबोध ऑफिस में चला जाता है। अगले दिन सुबोध ऑफिस के लोगों के साथ घर लौट आता है। घर आते ही खाने की खुशबू से सभी लोग खुश हो जाते हैं। अरे भाई सुबोध, खाने की तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, पेट में तो जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। चलो राजन, तुम्हें अभी खाना खिलाता हूँ। हाँ चलो जल्दी। ऐसा कहकर राजन और बाकी के सभी लोग खाना खा लेते हैं। खाना इतना स्वादिष्ट होता है कि मेहमान खाना खाकर तृप्त हो जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुबोध की नौकरी अच्छी चल रही थी। तभी कुछ ही महीनों में कंपनी के हालात खराब होने के कारण बहुत सारे लोगों को कंपनी से निकाल दिया गया। उसमें सुबोध भी एक था। सुबोध उस दिन जल्दी घर आ जाता है। उसे देख रेखा सुबोध से, आज आप इतने जल्दी कैसे घर वापस आए? रेखा, मेरी नौकरी चली गई है। कंपनी के हालात बहुत खराब होने के कारण कंपनी ने बहुत सारे लोगों को निकाल डाला। मगर ऐसे कैसे निकाल डाला, कुछ बताया भी नहीं? रेखा की बातें सुन सुबोध मन ही मन बहुत सोचने लगता है और सोचते सोचते घर से बाहर चला जाता है। बाहर जाते ही उसके पुराने आवारा दोस्त उसे मिल जाते हैं। उनके साथ सुबोध बैठ के दारू पीने लगता है। उस दिन सुबोध बहुत दारू पीकर घर लौटता है। सुबोध घर आते ही रेखा से, रेखा, ओ रेखा, जल्दी से मुझे खाना परोसो। जी अभी परोसती हूँ। ऐसा कहकर रेखा सुबोध को खाना परोसती है। सुबोध खाना खाकर सो जाता है। अब ये हर रोज होने लगा था। जब से सुबोध की नौकरी गई थी तब से सुबोध ने पीना शुरू कर दिया था। वो घर में से पैसे लेकर जाया करता था।
रेखा उसे रोकने की कोशिश करती तो सुबोध उसे मारपीट किया करता था। एक दिन घर का सारा राशन खत्म हो जाने के कारण घर में खाने के लिए कुछ भी बचा नहीं था। ये देख रेखा बहुत चिंतित हो जाती है। वो मन में सोचती है, अगर मैं कुछ काम धंधा करके पैसे कमाऊँ तो मेरी गृहस्थी अच्छी चलेगी, खाने के लाले तो नहीं पड़ेंगे। ऐसा सोचकर रेखा सुबह उठकर कुछ मिठाइयाँ बनाती है और उसे टोकरी में डाल के बाजार में बेचने चली जाती है। उसकी मिठाइयों की खुशबू से बहुत से लोग उससे मिठाइयाँ खरीद लेते हैं। रेखा की सारी मिठाइयाँ बेची जाने के कारण वो बहुत खुश हो जाती है। तभी उसकी दोस्त हेमा उसे मिलती है। हेमा रेखा से, अरे रेखा, तुम यहाँ बाजार में क्या बेच रही हो? मैं यहाँ मिठाइयाँ बेच रही हूँ हेमा। रेखा, तुम अचानक से मिठाइयाँ क्यों बेच रही हो? सुबोध भाई साहब की तो अच्छी खासी नौकरी है, फिर भी तुम ये काम क्यों कर रही हो? उनकी नौकरी चली गई और घर में खाने के लाले पड़ने लगे थे, इसीलिए मैंने मिठाइयाँ बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, मुझे पता नहीं था रेखा। वैसे तुम्हारे हाथ की मिठाइयाँ तो बहुत स्वादिष्ट होती है, मुझे भी देना 1 किलो मिठाई। हाँ, अभी देती हूँ। ऐसा कहकर रेखा हेमा को मिठाई देती है। हेमा मिठाई लेकर घर चली जाती है। रेखा भी मिठाई लगभग बेची जाने के कारण घर लौट आती है। अब घर आते ही रेखा पैसे गिनती है और मन में, इसमें से कुछ पैसे अलग निकाल के रखती हूँ, राधा बड़ी होने के बाद काम में आएंगे। ऐसा कहकर रेखा कुछ पैसे एक गुल्लक में डाल के बाकी के पैसे अपने पास रख देती है। उस दिन भी सुबोध को पैसे चाहिए थे, उसे घर के एक जगह में पैसे दिखाई देते हैं। तभी उसने वो पैसे लिए और दारू पीने जा रहा था। तभी रेखा सुबोध से, अजी आप ये क्या कर रहे हो? आप ऐसे पैसे खर्च करेंगे तो हम खाएंगे क्या? ललहट, मुझे जाना है, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कहकर रेखा को सुबोध धक्का देकर नीचे गिरा देता है। वो जमीन पर गिर जाती है। ये देख राधा उसके पास चली आती है। माँ, तुम्हें पिताजी ने ऐसे धक्का क्यों दिया? राधा, मेरा ही ध्यान नहीं था, इसीलिए मैं गिर गई। चलो हम खाना खा लेते हैं। हाँ माँ, चलो। ऐसा कहकर राधा और रेखा घर में चले जाते हैं। घर में जाकर राधा और रेखा खाना खा लेती है। खाना हो जाने के बाद दोनों सो जाती है। उस दिन से सुबोध को जुआ खेलने की आदत पड़ गई। उसकी वजह से सुबोध ने सारे पैसे गवा डाले और उसने खुद का रहने का घर भी वहाँ पे बेच डाला। नशे की हालत में वो क्या करता उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। अब एक दिन एक आदमी उसके घर आकर, अरे सुबोध, ये घर खाली करो भाई, और कितने दिन रहोगे मेरे घर में? आप ये क्या कह रहे हो भाई साहब, हमारे ही घर से हमें ही निकलने के लिए कह रहे हो? बहन जी, ये घर मेरा है, तुम्हारे पति ने मेरे नाम पे करवा दिया है ये घर। तुम्हारे पति ने इसके बदले में मुझसे पैसे लिए थे, जुए में हार गया होगा तुम्हारा पति वो पैसे। रेखा ये सब सुन चुप हो जाती है और उस आदमी से, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि मेरे पति ने ये घर भी बेच डाला, मुझे कल तक का समय दीजिए, मैं आपका घर खाली कर दूंगी। ऐसा कहकर रेखा घर में चली जाती है। उसके आंख में से आंसू बहने लगे थे। अगले ही दिन रेखा अपना सामान लेकर घर छोड़कर चली जाती है। अब ये सब उसकी सहेली सुषमा देख रही थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी। सुषमा रेखा से, अरे रेखा, तुम ये सब सामान लेकर कहाँ जा रही हो? हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं, अब ये घर हमारा नहीं है। तुम कहाँ जा रही हो रेखा? वो पता नहीं सुषमा, सिर्फ ये घर खाली करवाना है। रेखा, तुम चाहो तो तुम मेरे घर में किराए से रह सकती हो, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। सुषमा, मेरी तो बहुत मदद हो जाएगी अगर मैं तुम्हारे यहाँ पे किराए पे रहूंगी तो। ठीक है, तो फिर चलो मेरे घर। हाँ। ऐसा कहकर रेखा सुषमा के साथ उसके घर चली जाती है। अब रेखा, सुबोध और राधा अच्छी तरह से उस घर में रहने लगे थे, मगर घर की जिम्मेदारी रेखा के सर पर आने की वजह से रेखा को काम करना पड़ता था। अब रेखा बहुत सारी मिठाइयाँ बनाती और बाजार में जाकर बेचा करती थी। इन सब में राधा अब बड़ी हो गई थी। राधा अब अपनी माँ का हाथ बटा दिया करती थी। ये सब देख रेखा बड़ी खुश हुआ करती थी, मगर उसे उसकी बेटी की शादी की चिंता थी, इसीलिए रेखा थोड़े थोड़े जमा किए हुए पैसे बेटी की शादी के लिए रखती थी। मगर एक दिन सुबोध का एक्सीडेंट हो गया। सुबोध का अस्पताल में बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, उसमें रेखा ने जमा किए हुए सारे पैसे खर्च हो गए, मगर सुबोध बच न सका। ये सब सुन रेखा और राधा बहुत फूट फूट कर रोने लगे।
आज उनके घर का सहारा ही चला गया था। अब रेखा के मन में अपनी बेटी की शादी का ख्याल आता है, मगर पास में पैसे ना होने के कारण वो फिर से काम करने लगती है। एक दिन रेखा की सहेली हेमा उसे दिखती है, तभी हेमा रेखा से, रेखा सुबोध भाई साहब का तो बहुत बुरा हुआ, अब तुम दोनों कैसी हो? हम दोनों अच्छी है हेमा, तुम्हारा कैसे चल रहा है? मेरा तो सब ठीक है। मेरे मन में कितने दिनों से एक बात थी, तुम कहो तो पूछूं? हेमा इसमें पूछने की क्या बात है, पूछो। रेखा मेरा बेटा अच्छी कंपनी में काम करता है और मैं चाहती हूँ कि राधा मेरे घर की बहू बने। ये सब बातें सुनकर रेखा हेमा से, हेमा मेरी राधा अगर तुम्हारे घर की बहू बनेगी तो मेरी राधा के भाग ही खुल जाएंगे, मगर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे लड़की के सिवा कुछ नहीं चाहिए रेखा, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है और शादी का सारा खर्चा मैं ही करूंगी। ये सब सुन रेखा की आंखों में से आंसू बहने लगे। अब रेखा हेमा के गले लग जाती है और हेमा रेखा से, तुम किसी भी चीज की चिंता मत करो रेखा, मैं सब संभाल लूंगी, और रही बात पैसों की तो वो आज है तो कल नहीं। हाँ हेमा, मुझे तुम जैसी सहेली मिली, मेरे तो भाग ही खुल गए। दोनों की बातचीत चल रही थी तभी राधा वहाँ आ जाती है। रेखा राधा से, राधा हेमा चाची का आशीर्वाद लो। ऐसा कहते ही राधा हेमा के पैर पड़ के आशीर्वाद लेती है। अब कुछ ही दिनों में हेमा के बेटे गोविंद के साथ राधा की शादी हो जाती है। जैसा रेखा ने सोचा था उससे कई बेहतर शादी राधा की हुई थी। ये सब देख रेखा बहुत खुश हो गई थी। अब रेखा भी अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर रही थी। एक गरीब को लड़की की शादी करवाना सच में बहुत ही कठिन काम होता है, और तो और हमारे समाज में दहेज प्रथा होने के कारण लड़कियों को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है, इसीलिए हमें इन सब का विरोध करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हर कठिन परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए।